नमस्कार, एग्री कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो एग्री कमोडिटी के अंदर हमने काफ़ी बड़ा उतार चढ़ाव आते हुए देखा। अगर हम सबसे पहले सोयाबीन की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में हमने 2.5% की गिरावट आती हुई देखी। जिस ढंग से अनसर्टेनिटी बनी हुई इम्पोर्ट्स को लेकर, साथ में अराइवल्स में भी काफ़ी बड़ा ड्रॉप आता हुआ देखा, जिसकी वजह से प्राइजेस में एक अच्छी खासी तेज़ी जरूर आई थी, बट हायर लेवल पर सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है गवर्नमेंट एक्शन, और साथ में रुकी हुई अराइवल्स भी आना चालू हुई, जिसके चलते प्राइजेस में गिरावट आई और हमने 6460 पे क्लोज होता हुआ देखा। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो सोयाबीन के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, इंटरनेशनल में भी तेज़ी का माहौल बना हुआ है, रेंज बड़ा हो सकता है जो 6100 से 6800 का रहेगा, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। वहीं अगर हम कैस्टर की बात करें तो पूरे हफ्ते में हमने 2.5% की गिरावट आते हुए देखी। कैस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज पे है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनवरी एंड फरवरी में हम नए अराइवल्स आते हुए देखेंगे। जिस ढंग से चाइना से काफ़ी इंपोर्ट्स उम्मीद थी, बट वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है कैस्टर ऑयल का, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर दबाव बढ़ रहा है। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो 6400 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, 6400 के नीचे प्राइजेस में दबाव बढ़ सकता है, तो बेटर है लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। वहीं रिफाइंड सोया ऑयल और CPO की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमने फ्लैट से नेगेटिव प्राइजेस में मूव होते हुए देखा है। एज ऑफ नाउ जनरली हम देखते हैं कि फेस्टिव सीजन ओवर हो चुका है, जिसके चलते मार्केट में कहीं ना कहीं डिमांड का अभाव है, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव बन रहा है, बट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बड़ी गिरावट भी नहीं लग रही है। क्रूड के भाव में तेज़ी के चलते पाम ऑयल को फिर से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं क्रशिंग के अंदर भी हम प्रायोरिटी देख रहे हैं, जिसकी वजह से रिफाइंड सोया को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। एज ऑफ नाउ हमें लगता है प्राइजेस दायरे में रहने की उम्मीद है, जहां CPO 1080 से लेकर 1120 के बीच में, वहीं रिफाइंड सोया ऑयल 1160 से लेकर 1220 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। मसाले पैक की अगर बात करें तो फिर से तेज़ी का रुख ही दिखाई दे रहा है, जहाँ हल्दी में 4% की तेज़ी, जीरे के अंदर हमने 1.5% की तेज़ी, और धनिए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 से 2.5% की तेज़ी बनते हुए देखी है। ओवरऑल 2022 मसालों के लिए काफ़ी अच्छा और स्ट्रांग और मजबूत रहेगा। हल्दी में नो डाउट कैरी ओवर स्टॉक अच्छा होने की वजह से प्राइजेस के अंदर अपसाइड थोड़े कैप है, बट जिस ढंग से महाराष्ट्र में डैमेजेस रिपोर्ट हुई है, ये कहीं ना कहीं हल्दी को सपोर्ट जरूर कर रहा है। 8200 का लेवल होल्ड करने पर हम नई तेज़ी देख सकते हैं, अदरवाइज मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा। जीरा धनिया कैरी ओवर स्टॉक भी कम है, एक्सपोर्ट डिमांड भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। कहीं ना कहीं अगर हम जीरे की बात करें तो प्राइजेस 16200 का लेवल अगर गेन करेगा तो हम एक बड़ी तेज़ी देख पाएंगे, अदरवाइज मार्केट 15500 से लेकर 16000 के बीच में ही ट्रेड करेगा। धनिया की भी बात करें तो लॉन्ग टर्म सिनेरियो तो काफ़ी बुलिश है, बट कहीं ना कहीं धनिए में भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलनी चाहिए। प्राइजेस 6000 के करीब आने पर हम लोग लेकर चल सकते हैं, वहीं थोड़ा भी अगर ड्रॉप मिलता है धनिए के अंदर करीबन 8100 के आसपास, तो वहां से हम लेके काम करेंगे, जो अपसाइड के अंदर 9200 का लेवल तोड़ने पे नई तेज़ी दिखाएगा। साथ में अगर हम गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने हमारा व्यू साइडवे टू नेगेटिव ही रखा है, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है बड़ी गिरावट के बाद। आगे जाकर हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक दबाव बढ़ सकता है, जो 5400 से 5300 तक का लेवल गवार सीड और 9200 तक का लेवल गवार गम देखने मिल जाएगा। अंत में अगर हम कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें, यहाँ पे हमने घटा बढ़त दोनों देखी है, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। खास करके कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो अराइवल्स धीरे धीरे ड्रॉप होते जा रहे, जो उम्मीद नहीं थी दिसंबर में, कॉटन में भी ड्रॉप होते जा रहे, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। कॉटन में हो सकता है कि GST की वजह से प्राइजेस में फर्दर और गिरावट आए, तो 30000 का लेवल एक बार तोड़ सकता है, क्योंकि कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक के रेशियो की बात करें तो कहीं ना कहीं कॉटन में दबाव आता हुआ दिख रहा है। लेकिन कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई रहेगी, जो प्राइजेस में अपसाइड के अंदर 2850 का लेवल तोड़कर 3000 तक का लेवल दिखा सकता है। धन्यवाद।